अंजना जी, आपने फिल्म देखी सिंह साहब दी राइजिंग, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आपने फिल्म तो पूरी शूट की, लेकिन आज पहली बार आपने पर्दे पर बड़े स्क्रीन पर अपने आप को देखा, बाकी कलाकारों को देखा। आज हमारी फिल्म सिंह साहब द राइजिंग का टेक्निकल ट्रायल था, तो हम सभी लोग पूरी सिंह परिवार की फैमिली के साथ में हमने अपनी फिल्म देखी और हमने जो शूट किया था उससे कहीं ऊपर फिल्म बनी है। और अभी तो और भी चीज़ें इसमें बाकी हैं, वो भी पूरी हो जाएंगी। मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी है जी। गीता जी, आपने फिल्म देखी, आपका कैसा अनुभव रहा है? अनुभव तो वही है कि मैंने अपने आप को दोबारा रिवाइंड होते देखा है, अपने पापा की ज़िंदगी को जो मैंने पहले उनसे सुना था या मेरी लाइफ में मैंने देखा था, उनके चले जाने के बाद ये मैंने फिर दोबारा से उसी को देखा है। तो क्या बोलें, अब जब भी उनकी याद आएगी तो मुझे ये मूवी लगा के देख के उनकी कमी को पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन उनकी यादें फिर से मेरे जहन में जिंदा हो जाएंगी, ये कह सकती हूँ। मूवी देखते देखते आप काफ़ी भावुक भी हो गई थी, आप बाहर चली गई थी, एक सीन जब शुरू हुआ था तो आप बाहर चली गई थी, कौन सा सीन था जो आप नहीं देखना चाहते? वो था मेरी मम्मी की, जब वो उनका अंतिम सीन था, उसके आने से पहले ही मैं बाहर चली गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मुझे पता था कि एंड के सीन में भी अपने आप ही आंसू आ जाएंगे, तो मैं इंटरवल से ही रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि बाकी की मूवी लोग नहीं देख पाते, इसलिए मैं बाहर निकल गई थी और बस बोल नहीं पाऊंगी उस सीन के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस फिल्म देखने के बाद की पूछ रही हैं या फिल्म करने से पहले की पूछ रही हैं? फिल्म देखने के बाद एज यूजुअल हम एक्टर हैं तो थोड़ा स्वार्थी होते, तो अपना काम देखते रहते कि क्या अच्छा क्या बुरा क्या अच्छा बुरा, लेकिन जैसा कि अंजना जी ने बताया कि हम लोग पूरे सिंह परिवार का साथ देख रहे थे, तो जब पीछे से या जब बाहर निकलने पे ये बोला गया कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया, आप और अंजना जी, सुशील जी, सब इतने प्यारे लग रहे कि हम लोग वापस मम्मी पापा और ये सब परिवार हमारे साथ है, तो लगता है कि हाँ चलिए हमारी मेहनत सफल हुई है। और अब ऑडियंस के ऊपर है, ऑडियंस देखेगी फिल्म, एक संपूर्ण फिल्म है जो अपने पूरे परिवार के साथ आप सब लोग देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हर वो इंसान जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ भी ऐसा कि मेरे पास मैं बाहर जाके कुछ करूं अपने घर से बाहर जाके, तो उसके लिए भी ये फिल्म बहुत ज़रूरी है देखें कि एक आम इंसान कैसे खास बनता है और किस अपनी मेहनत से किस तरह बनता है, तो ये बहुत ज़रूरी है और एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। तो मेरे हिसाब से तो एक परिपूर्ण फिल्म है, लोगों को ऑडियंस को देखना चाहे, और आज टेक्निकल वो था तो हम लोग भी देख रहे थे, त्रुटियां ज़्यादा देख रहे थे कि क्या गलतियां हों उसको ज़्यादा देखा जाए। फिर अभी तुरंत थोड़े दिन बाद ज़रूर इसका प्रीमियर होगा, तो आप सबको मीडिया के साथ सारे लोगों को बुलाया जाएगा, तो अब आप लोग समीक्षा सही में करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। अंजना जी, जब आपको ये किरदार मिला, आपको जब ऑफर हुआ, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? कोई दूसरा सोच ही नहीं आई, करना है। और अपने आप में मतलब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मुझे इतना इस किरदार को, आंटी के किरदार को, मुझे जीने का मौका मिला और करने का मौका मिला, तो थैंक्स टू सिंह फैमिली दीदी। कैसे प्रिपेयर किया आपने, ये जो किरदार आपने निभाया है, कैसे प्रिपेयर किया, क्या तैयारी की इसके लिए? सब सारा क्रेडिट मुझे लगता है गीता दीदी को ही जाता है, बिकॉज दीदी ने सब कुछ भी चीज़ें रहती थी, अगर मुझे कुछ भी क्वेरी रहती थी रिगार्डिंग आंटी जी, तो मैं पूछती थी दीदी से कि कैसा है, कैसे बोलती थी, कैसे वो साड़ी कैरी करती थी, वो वॉक कैसे करती थी, कैसा नेचर था, ये हम लोग, दीदी हमेशा सेट पे ही रहीं और उन्होंने जब भी हमारे सीन रहते थे तो हम लोग डिस्कशन करते थे कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करें क्या, तो बोलती नहीं नहीं ऐसा ये नहीं करते थे, ये ऐसे साड़ी नहीं पहनते, तो वो मतलब हर अपनी चीज़ को और परफेक्ट करने के लिए, मेरा मतलब मेरे किरदार को और परफेक्ट करने के लिए मैं मेरे डायरेक्टर को भी, दीदी को, देव को, सभी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। गीता मैम, क्या अंजना जी और देव जी ही फिल्म के लिए पहले चॉइस थे? अंजना जी तो थी, देव भैया को उदय भैया ने बताया कि हम देव भैया को लेना चाहते हैं, मैं इसके पहले देव भैया से मिली नहीं थी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट टाइम मिली मैं अपने ऑफिस में इनसे, तो उसके बाद में उदय भैया ने बोला कि देव भैया, मैंने हाँ डन कर दिया, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि
सोच ही नहीं सकते थे कि कोई और कर पाएगा ऐसा। आपने क्या तैयारी की थी इस किरदार के लिए? तैयारी कोई स्पेशल तो नहीं की थी, लेकिन क्योंकि मैं सिंह साहब के से ना कभी मिला था ना बहुत कुछ उनके बारे में जानता था, जब ये हो गया कि मैं ये रोल कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे जो डायरेक्टर हैं धीरज पंडित जी, उनकी स्क्रिप्ट, उन्होंने लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, मैंने उनको पढ़ा और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी कि आप स्क्रिप्ट पढ़ो, बाद में करेक्टर बनाना है, करेक्टर को समझना है। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, सीन्स पढ़े और मुझे लग रहा कि नहीं कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट करना शुरू हो गया। और जब सेट पर गया तो फर्स्ट डे तो दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, फिर जब मैं सेट में जिस दिन नहीं बीच का नहीं बोल रहा हूँ तो सेट पे मैं जब गया तो मैं खुद लुक लेके जब मैं पहुँचा सेट पे तो गांव के एक बाबा है बहुत, उन्होंने मेरे को देखते ही बोला अरे सिंह साहब आ गए ना। तब मुझे लगा कि शायद मैं करेक्टर तो चलो अब हो गया, अब क्या है कैसे है किस तरह है। तो कुछ वीडियोज़ मैंने दीदी से मंगवाई थी तो वो वीडियोज़ मैंने देखे थे, उनके बोलने वाले का तरीका, थोड़ा उठना बैठने का, तो इस तरह मैंने तैयारी शुरू हुई। और साथ साथ में मेरा सीन पहला अंजना जी के साथ था तो थोड़ी हिम्मत और मिल जाती क्योंकि इनके साथ मैंने पहले भी काम करा है इनके साथ, तो इस बार लेकिन इनके साथ हीरो वाला रोल था पति पत्नी का, तो मैंने पहले ही इनको बोल दिया थोड़ा संभाल लीजिएगा, तो इनका तो होता है अच्छा ये, तो वही होता है कि इनको लगता है मैं इनको तंग कर रहा हूँ, मैं बार बार बोला देखिए अच्छा किया, अच्छा तो किया मैं एक बार फिर, तो वो अच्छा है, इनका सपोर्ट काफ़ी रहा। खास करके हम लोग कई सीन तो इतने प्यारे थे जो हॉस्पिटल्स के सीन थे या कुछ भी, मैं सच बताऊँ मैंने एफर्ट लगाया नहीं इसमें, सब अपने आप होता गया, ऐसा लग रहा था कि सिंह साहब ही सब करवा रहे मेरे से। और इसमें मेरे पूरी टीम जो सिंह साहब की पूरी टीम है, हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और दीदी हैं, संजू भैया थे, जितने हमारे वहाँ टीम के थे वहाँ के लोग, पूरे गांव के लोग, इवन इनके जितने वहाँ जितने एम्प्लॉई थे सब बेचारे बहुत वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जितनी सुविधा इन्होंने हमको दे के रखी थी कि हमारा दिमाग किसी और चीज़ में लगा ही नहीं, सिर्फ काम पे ही था, ना खाने की चिंता, ना पीने की, ना सोने की, खाली मुंह खोलना था कि ये मिले वो मिले। देखिए हमको आईफोन भी इन्होंने दिया, ये भी दिया है, खाली इनको मुझसे पूछ ले आईफोन पसंद है भाई आपको, मैंने कह दिया हाँ। मतलब उस दिन जब आईफोन ले लिया तो मुझे लगा यार कुछ और मांग लेता बड़ा चीज़ था, हाँ मतलब होता ना सस्ती बात करती है, मैंने बोला कि आईफोन पसंद है भैया, मैं कहाँ अगले दिन आईफोन आ गया, बस वही है कि और ये ऐसा नहीं है कि मतलब दी ने एक ही लोगों को किया हो, सबको जितने भी हमारे थे सब लोग को उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा वो खुश थी काम को देख के, चीज़ों को देख के कि उन्होंने सभी को दिया, डायरेक्टर सर को, सुशील जी को मतलब सभी लोगों को मिला। एंड बेस्ट पार्ट मैं आपको ये बताऊँ ना, ये इतनी हैप्पी फैमिली, आप जब कहीं काम करते हैं ना तो वहाँ से आपको वाइब्स मिलते हैं, तो हम लोग जब सेट पे थे ना तो वो परिवार के ही वाइब्स इतने अच्छे थे ना कि रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, हाँ घर जैसा बैठ रहे, बाहर चौकी पे बैठ रहे, बाहर कैंप फायर चल रहा है, वहीं सीन हो रहा है, वहीं सब चल रहा, तो वो वैसा माहौल था। और बेस्ट पार्ट हमने डायरेक्टर की भी बोलेंगे, हालांकि मेरा उनका गर्मा गर्मी हो जाता था जस्ट और वो होना भी चाहिए, सी क्या है कभी कभी हम हर चीज़ के लिए एग्री नहीं करते, कभी कभी डायरेक्टर हर चीज़ के लिए एग्री नहीं करते, वो एक स्वीट एंड हॉट टॉक टाइप का था, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे उनकी रिस्पेक्ट नहीं या उनको नहीं है, तो वो इतने हसमुख और खुश मिजाज इंसान थे कि उन्होंने भी अपने एक्टर्स को फ्री छोड़ रखा था कि पहले आप करो, कुछ कमी होगी तो आई एम देयर, तो फिर अगर हम अच्छा करते तो ओके टेक रहे, नहीं करते थे तो फिर वो बोल देते नहीं इसको ऐसे नहीं फिर ऐसे करिए, फिर अगर हम सेटिस्फाई नहीं है या हम कन्विंस नहीं हुए तो फिर मैं चार सवाल पूछती थी, क्यों शब्द आता था परमानंद, हाँ। जब शॉर्ट होता परमानंद, हाँ। बहुत बढ़िया, तब हमको लगता टेक हो गया ओके, तो फिर अगर आपका भी मन हो गया एक और करे तो बस परमानंद के बाद कोई आनंद नहीं होता, बोले ये डन है, बहुत बढ़िया भी नहीं, कभी कभी तो एक सीक्वेंस में ऐसा होगा कि कुछ बोले तो मैं ही नाराज हो गया, अरे भाई बताओगे कुछ और, बोले अब तो मुझे लग रहा है कि सिंह साहब ही चल रहे तो मैं क्या बोलूँ, मैं कह रहा बोलो परमानंद सुनने के कान ऐसे हो गए हैं, तो और दोस्त भी हैं तो फैमिलियर माहौल तक टोकना भी इम्पोर्टेंट है, हाँ पैसा नहीं कि हाँ ठीक है हमने इतना ही शायद सोचा, हमने भी अच्छा ही सोचा लेकिन हमने शायद इतना ही सोचा हो, लेकिन हो सकता है आपका ओपिनियन वो उस चीज़ को इतना बड़ा बना दे हमारे परफॉर्मेंस को, तो वो हमेशा वेलकम रहता है कि हाँ मिलना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा, जैसे कि
अंजना जी ने बताया, उदय भैया भी बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी, बहुत कम दूरी रह गई रिलीज में, और डेट अनाउंसमेंट हम लोग बहुत जल्द करेंगे और अभी डेट डिसाइड नहीं है। जैसे ही डेट डिसाइड होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, एग्जैक्ट डेट क्या है वो हम लोग आपको जरूर बताएंगे, जल्द बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।